हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी गोयल एंड माय चैनल नेम इज नीट विद तन्वी। आई एम अ सेकंड प्रोफ एमबीए स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यार देखो, आज की वीडियो बड़ी सिंपल होने वाली है, बट इन अ वेरी सिंपल मैनर मैं तुम लोगों का जो एक बहुत ही मेजर डाउट है उसे क्लियर करने वाली हूँ। दैट इज हाउ टू डू 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली। तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जब तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि देयर इज समथिंग लाइक 11th एंड 12th। ठीक है, तुम्हें क्या कंसिडर करना है कि वो जो तुम्हारी जितनी बुक्स हैं वो साथ में तुम्हारे एक कंबाइंड एग्जाम का सिलेबस है, दैट इज योर नीट। ठीक है, तुम्हें अपना नीट क्लियर करना है तो तुम्हें उन सारी बुक्स को कवर अप करना है। तुम अपने दिमाग से ये निकाली दो, ये 11th की, ये 12th की है। अब अगर तो तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हें थोड़े थोड़ा इशू आने वाला है, क्योंकि 11th के टाइम पे तुम्हें लगेगा कि यार मैं 11th ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पेपरों में तो वही आना है। फिर 12th के टाइम पे यार मैं 12th पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पेपरों में तो वही आना है। ठीक है, बट अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, क्योंकि तुम्हें और कोई एग्जाम्स नहीं देने हैं। तो हम यहाँ पे दोनों POVs से बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी शॉर्ट होने वाली है, क्विक होने वाली है, बड़ी प्रिसाइज होने वाली है। ठीक है, बट तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आया था कि दीदी हमें समझ नहीं आ रहा ये हम कैसे कवर अप करें। ठीक है, स्पेशली हमारा 11th के लिए। तो अगर तो तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, चाहे मैं छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, बट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। अब यार देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अगर तो तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो देखो, तुम वो सिलेबस पहली बार पढ़ रहे हो, एक ड्रॉपर है। ठीक है, चाहे उसने ढंग से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट उसे पता होगा कि हाँ क्या क्या है। ठीक है, तो अगर तो तुम स्कूल में हो तो तुम एकदम कम्प्लीटली नूब हो, कम्प्लीटली नए हो। अब पहले तुम आओगे 11th में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 11th ज़्यादा डिफिकल्ट है, 12th बहुत ईजी है। ठीक है, तुमने 11th का सिलेबस एक बार पढ़ लिया, 12th का तुम्हें बहुत ईजी लगेगा क्योंकि 12th का ईजी है। तो तुम पहले 11th में आओगे। ठीक है, फिर तुम 11th में आओगे तो तुम 11th का सिलेबस देखोगे। ठीक है, तुम उसको देख के बहुत चक्के रह जाओगे। तो अगर तो तुम स्कूल गोइंग हो तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि 11th में तुम सिर्फ सिर्फ 11th ही करना। ठीक है, तुम 11th में सिर्फ 11th का सिलेबस ही कवर करना। बट जब तुम 12th में आओगे तो तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा, अगर तुमने 11th अच्छे से पढ़ी होगी तो, डेडिकेटेडली पढ़ी होगी तो, ये सोच के नहीं पढ़ी होगी सिर्फ कि मुझे किसी तरह स्कूल का एग्जाम पास करना है। अगर तो तुमने अपने स्कूल में 11th ये सोच के पढ़ी होगी कि ये मेरा नीट का सिलेबस है, तो फिर तुम्हें जब तुम 12th में आओगे, 12th का सिलेबस देखोगे, तुम्हें लगेगा क्या है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मैं 11th में पढ़ के आया हूँ उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा 12th का सिलेबस आराम से हो जाएगा। अब जब तुम अपनी 12th की क्लास में होगे तो तुम अपना 12th का सिलेबस करोगे, बट तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बचेगा। तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, जो तुमने अपने 11th में नोट्स बनाए होंगे उन्हें और रिफाइंड करना है। ठीक है, अपनी 11th की फार्मूला शीट्स एकदम अच्छी से बना के रख लेनी है। 11th के सब्जेक्ट्स को, 11th के चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, उससे रिलेटेड टेस्ट देते रहने हैं। इससे क्या है कि तुम्हारी 12th तो हो ही रही है, 12th बहुत ईजी है, वो हो जाएगी। ठीक है, साथ में तुम्हारी 11th भी होती रहेगी। सिंपल, ये तुम्हारा स्कूल गोइंग का हो गया है। ठीक है, तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ना तुम्हें स्कूल के पेपर की टेंशन लेनी, ना तुम्हें बोर्ड्स की टेंशन लेनी है। ठीक है, बोर्ड्स का कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी नहीं पूछता बोर्ड्स का। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसमें 227 मार्क्स आए थे। किसी ने मेरे को भाव नहीं दिया इस बात पर कि मेरे 12th मैथ्स बोर्ड में भी 100 on 100 आए हैं, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, सब ने कब देखा, जब मेरा एक ड्रॉप के बाद नीट के सेकेंड अटेम्प्ट मेरे 681 आए, मेरा सिलेक्शन हुआ, तब सबने इस को रिकॉग्नाइज करा कि अरे वाह, इसकी तो 12th में भी मैथ्स में 100 on 100 आए थे। ठीक है, तो कोई नहीं देखने वाला तुम्हारे बोर्ड्स के नंबर अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो बोर्ड्स की टेंशन एंड अपने स्कूल के पेपरों की टेंशन, इन दोनों को दिमाग से ना निकाल देना। ठीक है, तो स्कूल गोइंग बच्चों का एकदम सॉर्टेड है, तुम्हें 11th में सिर्फ 11th करनी है, 12th तुम्हें बहुत ईजी लगेगी, 11th अच्छे से करी होगी तो 12th के साथ साथ तुम्हें 11th जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, पहली बात तो एक पूरा साल 12th को देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बट वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, स्कूल में एक साल ही होता है हर एक क्लास का, तो तुम्हें साइड बाय साइड 11th को लेके चलना है, उसकी रिविजन करनी है, नोट्स बार बार रिवाइज करनी है, टेस्ट देने हैं, 12th हो जाएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर तुम ड्रॉपर हो तो। ठीक है, तो यार देखो, तुम एक बार तो गो थ्रू कर चुके हो ना 11th और 12th का सिलेबस, किसी तरह दोनों क्लास पास करके आए हो ना, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगेन 11th के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम मान लो कि तुम्हारा ऐसा चल रहा है कि यार मैं एक दिन में 11th और 12th दोनों पढ़ूंगा, ठीक है, अगर तो तुम्हारा ऐसा है तो अगेन तुम 11th को ज़्यादा टाइम देना और 12th को कम देना। ठीक है, जो भी 12th का सिलेबस है उसको कम टाइम देना, अदरवाइज मैं तो ये प्रेफर नहीं करूँगी। मैं ये प्रेफर, देखो मैंने तो अपने टाइम पर पर्सनली क्या किया था, मैंने तो मंथ डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, एक महीना मैंने डेडिकेटेडली बायो पढ़ी, फिर
फिर एक महीना डेडिकेटेडली फिजिक्स एंड सिमिलरली केमिस्ट्री। अगर तो तुम मंथ्स भी नहीं डिवाइड करना चाहते तो तुम वीक डिवाइड कर लो। अब तुमने एक वीक जो है तुमने डिसाइड करा कि यार मैं एक हफ्ते, एक महीने में एक हफ्ते फिजिक्स पढ़ूंगा, एक में केमिस्ट्री, एक में बायो। अब तुम अपना जो तुम्हारा फिजिक्स का एक हफ्ता है उसके अंदर तुम 11th भी करो 12th भी करो। इससे क्या है कि दोनों तुम्हारी साथ साथ चलती रहेंगी। अब तुमने एक हफ्ता फिजिक्स को दिया 7 दिन, 7 दिन में से तुम इसको डिवाइड कैसे कर सकते हो? 4 दिन तुमने 11th का सिलेबस करना है, 3 दिन तुमने 12th का करना है, या 12th का थोड़ा और कम कर दो। ठीक है, तो मैं तो तुम लोगों को प्रेफर करूंगी तुम इस तरीके से करके कर लो। ठीक है, एक ही दिन में 11th और 12th दोनों मत करना। बाकी ऐसा नहीं है कि 11th बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं 11th में जो ईजी है और कुछ कुछ चैप्टर्स हैं 12th में जो डिफिकल्ट है। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, हफ्ते में तुम 4 दिन 11th के चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हो, बाकी के 3 दिन तुमने 12th के किए नहीं किए, या तुम उन्हें बीच बीच में डाल सकते हो कि 2 दिन 11th देन एक 12th, 2 दिन 11th देन एक 12th। जिससे क्या है ना कि जिस दिन 12th वाला डे होगा ना, 12th का सिलेबस वाला डे, तो उस दिन तुम्हारा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अगर तो तुम लोगों को इस चीज में डाउट है कि भाई मैंने ये फॉलो नहीं किया है, मैंने कुछ और किया है, तो तुम मेरी जो मंथ वाइज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम उसे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें उसको देखिए, यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में मैंने मंथ वाइज स्ट्रैटेजी ही फॉलो करी थी, जिसके अंदर कि पहले मैंने अपना सिलेबस, क्योंकि देखो मेरे को ना वो बहुत ज्यादा लग रहा था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ी लेट शुरू करी थी पढ़ाई। तो मेरा पहला फर्स्ट एकदम प्राइम फोकस ये था कि कुछ भी हो के मेरा सिलेबस पूरा हो। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार मैं एक एक महीना डिवाइड कर देती हूँ, एक महीना मैंने बायो पढ़नी है, उसे खत्म करना है, सेम गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिर मतलब बाद में वो था कि हाँ फिजिक्स को मुझे हाफ अ मंथ लाइक 15 डेज और देने पड़े थे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो तुम उस इस चीज़ को एक्सप्लेन अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो मेरी उस वीडियो में देख सकते हो, मंथ वाइज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में। बाकी 11th एंड 12th का मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, कैसे तुम्हें करना है अगर तुम स्कूल गोइंग हो या ड्रॉप करो। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर।